देश भर में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। रोजाना कोरोना के लाखों मामले आ रहे हैं तो वहीं हजारों लोगों की जान जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में लोगों को एक तरफ जहां कोरोना की मार पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते व्यापार और रोजगार का भी नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान राष्ट्र प्रथम की टीम ने दिल्ली में अनाज मंडी का जायजा लिया और वहां के व्यापारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर ने उनकी कमर तोड़ दी है। तेजवान जी, कोरोना का कहर और ये अनाज मंडी का क्या हाल है? कर्फ्यू के कारण क्या स्थिति? स्थिति क्या है, कोरोना के चक्कर में लेबर का एक तो टिकाव नहीं हो रहा और लेबर का न टिकाव होने के कारण काम भी कम है। नरेला मंडी में तो ज्यादातर व्यापारियों काम ठप्पे हो रहा है तो, और रही है अभी ये दोबारा फिर लॉकडाउन हो गया। सब किस मजदूर भी अपने और व्यापारी को भी तनख्वाह निकालनी मुश्किल हो रही है मजदूर की। आप लोग काफी घाटा में जा रहे हैं इसमें? हाँ, सभी घाटे। तो केंद्रीय कृषि मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आप अनाज मंडी के व्यापारी होने के नाते क्या डिमांड करेंगे, क्या मांग करेंगे? तो क्या मांग करेंगे, यह है कि भाई अपना लॉकडाउन आगे न बढ़ाकर डिस्टेंसिंग पे और उस पर मास्क पे ध्यान रखे और अपना काम सुचारू रूप से चलने दे। बहुत बहुत धन्यवाद तेजवान जी, इन्होंने काफी अच्छी बातें बताई हमारे टीवी चैनल को और इनकी बातों को सरकार को सुननी चाहिए और अनाज मंडी के व्यापारियों की समस्या का हल करना चाहिए। अनाज मंडी के व्यापारी हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम क्या है? ईश्वरचंद अग्रवाल। तो अग्रवाल जी, क्या स्थिति है पिछले साल का कोरोना और इस साल भी महामारी कोरोना का कहर ढा रहा है? पीछे भी हम कोरोना के मामले में मंडी के व्यापारी सब का बुरा हाल है, सब जो मजदूर है सब यहाँ से है ना चले गए हैं और मंडियों में काम बिल्कुल ना के बराबर है। सब व्यापारी है ना हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कोई भी व्यापार में कोई काम नहीं चल रहा है, सब परेशान है। पहले लॉकडाउन से झेला था और फिर दोबारा फिर लग गया, उससे फिर व्यापार में काफ़ी दिक्कत आ गई, जिससे कि मजदूर है ना उनकी मजदूरी पल्ले नहीं पड़ेगी तो जाएंगे ही। व्यापारी है वो मजबूर होकर खाली बैठा है, जमींदार का कोई बाल नहीं आ रहा, जमींदार का बाल नहीं आएगा तो व्यापारी खाली बैठेगा। तो कुल मिला के कितने व्यापारी हैं आपकी मंडी में? हमारी मंडी में जी ये लगा लो 550-600 लाइसेंस आ रही है। और कितने लेबर काम करते हुए? लेबर कम से कम 2-2.5 हज़ार आदमी लेबर का काम करता है। सभी पलायन कर गए? सभी पलायन, बहुत ही कम ना के बराबर है, मतलब ये 90% पलायन कर गए। तो आप क्या सरकार से मांग करेंगे, केंद्रीय मंत्री कृषि और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से क्या डिमांड करेंगे अग्रवाल साहब? ऐसा है, मैं सीएम साहब से क्या कहूँ, क्योंकि ये तो हालात धना सकते ऊपर आए हुए हैं, क्योंकि ये भी मजबूर है, ये भी इसमें क्या कर सकते हैं। जब एक है ना ये बीमारी इस किस्म की आई है जिससे कि है ना हम है ना इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो क्या अनाज मंडी गरीब गुरबों की मदद में आगे आ रही है इस समय? नहीं जी, व्यापारी तो कुछ है ना बल्कि है ना मजदूर आदमियों की सेवा ही कर रहा है, जितना अपने से व्यापारी से फुक रहा है उतना वो है ना मजदूर आदमी की सेवा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कोरोना काल में हमारे DID न्यूज को समय दिए, आप भी बचे समाज को भी बचाएं और 2 गज की दूरी मास्क बहुत है जरूरी, सब मैं तो अपना डिस्टेंस रखे और अपना बैठे ऊपर वाला जो काम आएगा तो उनका हो जाएगा, पहले बीमारी से तुम छुटा, बीमारी से तुम छुटा थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है जी जगदीश प्रसाद। तो जगदीश जी, कैसी स्थिति है जरा संक्षिप्त में बताए? बुरा ही हाल है, व्यापार एकदम बैठ गए। हाँ, व्यापार खाली बैठे, भूखमरी फैल गई, तो मेरा भी काम बुरा ठप हो गया है, समझा कि आगे बीमारी डर में लगने लगा, घर से बाहर नहीं निकल सकते, समझा ना क्या करें, क्या नहीं मजबूरी है। बहुत ही बुरा हाल है, इन व्यापारियों ने अपने लाखों लाखों रुपये लगा के अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की सोची थी। कोरोना काल का पहला फेज खत्म हो चला था लेकिन दूसरा कोरोना काल के कहर ने इनकी कमर तोड़ कर रख दी है, इनका व्यापार बिल्कुल बैठ गया है और ये देखें इनके सारे सामान पड़े हैं, ग्राहक आ ही नहीं रहे, लॉकडाउन लगा है, यह स्थिति कमोबेश
पूरे अनाज मंडी किया। मैं मिहिर कुमार झा, DID न्यूज़ के लिए।